हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में, दैट इज़ बायोलॉजी ऑफ लाइफ। कोविड का टाइम जा चुका है। हमने कोविड के टाइम में सबसे ज़्यादा डॉक्टर और लेबोरेटरी के बारे में सुना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मन भी किया होगा कि लेबोरेटरी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही सारे कोर्सेज के बारे में और उनके बीच के अंतर और समानताओं के बारे में। देखिए, हमारा बीएससी पूरा हो गया है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका ट्वेल्थ साइंस खत्म हो गया है और हमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन से कोर्स करने चाहिए या फिर कौन सा कोर्स है, उसकी क्या विशेषता है? चलिए, तो पहले हम समझते हैं कि ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो कोर्सेस है वो कोर्सेस कितने कितने हैं, कौन कौन से है। तो पहला है सीएमएलटी, जो कि 6 महीने का एक कोर्स है, 6 to 1 ईयर का रहता है। बाद में आता है डीएमएलटी, ये 1 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद देखते हैं बीएमएलटी है, वो 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। एक है पीजीडीएमएलटी, ये है 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स। और उसके बाद आता है एमएससीएमएलटी, जो कि एक 2 ईयर का एक डिग्री कोर्स है। तो एक के बाद एक समझते हैं। पहला है सीएमएलटी। देखिए, सीएमएलटी अगर हम देखें तो ये उसका फुल फॉर्म करते हैं तो सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऐसा होता है। और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। फिर से बोलता हूँ, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी एक चीज ये है कि ये 12+ का है, मतलब ये एक 12th के बाद, मतलब 12th में अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इनका जो टाइम वर्क रहता है वो 6 महीने का रहता है, 6 महीने से 1 साल। ये जो कोर्सेस है वो कहाँ कहाँ मिलता है, ये कोर्स हमें पाया जाता है आईटीआई में। आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई तो आईटीआई वाला, आईटीआई का कोई कॉलेज होगा तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। अदरवाइज तो कोई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट भी रहती है, उस दोनों में ये कोर्स आपको ये मिल जाएगा कोर्स। इनकी कुछ लिमिटेशंस है और कुछ बेनिफिट्स भी है। पहली चीज ये है कि ये जो है 12+ आप कर सकते हो, मतलब अगर आपका सिर्फ 12वीं है और आपको ये सिर्फ करना है सर्टिफिकेट तो ये मिल जाएगा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन ये है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो ये एक सर्टिफिकेट में आपकी सर्टिफिकेट तो हो जाएगा लेकिन एलिजिबिलिटी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ओके, अगर आपके पास बीएससी है और प्लस आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो कभी कभी कई जगह पे ये चल जाता है, ठीक है। अगर आपको डीएमएलटी स्पेसिफाई किया है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए। अगर नहीं है, कभी कभी जगह पे कई जगह चल भी जाता है, तो पहले वो स्पेसिफाई करना है। मेरे हिसाब से ये सर्टिफिकेट कोर्स से ज्यादा अच्छा है डीएमएलटी। तो ये तरीके का हो गया सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। कहाँ पे ये ट्रेनिंग देते हैं, ये लोग ट्रेनिंग देते हैं अफिलियेटेड लेबोरेटरीज में। मतलब अगर आपने आईटीआई में एडमिशन ले लिया, आईटीआई में एडमिशन के बाद ये आईटीआई अफिलिएटेड होता है कुछ लेबोरेटरीज के साथ, वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कुछ थियोरेटिकल क्लासेस भी होते हैं उसके बाद ये एग्जाम लेते हैं और एग्जाम के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसको हम बोलेंगे सीएमएलटी। तो ये 12+ सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। आगे का है डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। फिर से बोलता हूं, ये एक डिप्लोमा कोर्स है लेकिन ये जो कोर्स है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। मतलब आपको यहाँ पे चाहिए बीएससी मिनिमम एलिजिबिलिटी। और कौन कौन से सब्जेक्ट में होगा, माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी, जूओ, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंस। और ये जो कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स है। फिर से इसमें सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपने का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग लिया हुआ है और ये उसका सर्टिफिकेट। उसका टाइम फ्रेम 1 ईयर है, 1 साल है। कौन कौन सी जगह पे ये पाया जाता है, कहाँ पे हम डीएमएलटी कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स है, वो गवर्नमेंट सीट्स में आप जाके आप अपना ट्रेनिंग ले सकते हो। दूसरा है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड कॉलेजेस, सेकंड प्रेफरेंस। या तो आप मेडिकल कॉलेजेस में आप कर सकते हो या फिर कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसके साथ अफिलिएशन होता, अफिलिएटेड कॉलेजेस होती है, तो कॉलेज में भी आप डीएमएलटी कर सकते हो। उसके बाद आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और डीम यूनिवर्सिटीज में, इसमें भी आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा।
फिर दूसरा एक है कि इसमें ट्रेनिंग भी आपको मुहैया कराते हैं ये लोग। तो ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, या फिर ये होता है मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे ये लोग पढ़ाई भी करवाते हैं, मतलब आपके लेक्चर्स भी होते हैं और आप मेडिकल कॉलेज में आपको ट्रेनिंग भी मिलता है। वहाँ पे जाकर आपको थोड़ा बेसिक वर्क, ब्लड कलेक्शन है या फिर टेस्ट जो होता है वो सब करना होता है। लेकिन दूसरा होता है कॉलेज कॉलेज लेबोरेटरीज, मतलब इसमें थोड़ा एक इशू ये है कि अगर आप गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेते हो तो ही आपको मेडिकल कॉलेजेस, मतलब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगा। बहुत सारे ऐसी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनके खुद के मतलब हॉस्पिटल्स है, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है और वहां पे उनके पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो वहां पे आपको इस तरीके का ट्रेनिंग नहीं मिलेगा। अगर आपको फील्ड वर्क भी करना है, फील्ड में जाके जॉब भी करनी है साथ में, मतलब जॉब इन द सेंस फील्ड वर्क ट्रेनिंग जो है वो करना है विथ आपका टीचिंग, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लो, या फिर ऐसी कोई प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढो जिसमें कि उनके पास मेडिकल कॉलेजेस हो, जहां पे जाके आप ट्रेनिंग कर पाओ। ठीक है, तो ट्रेनिंग अवेलेबल ओनली एट द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दैट आई टोल्ड यू। 4 से 6 घंटा वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। ये भी है, दोनों में डिफरेंस समझना चाहिए। देखो, अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो कि 4-6 घंटा काम नहीं करना है एक्स्ट्रा, आपको सिर्फ पढ़ना ही है, तो फिर प्राइवेट कॉलेज में जाओ, एडमिशन ले लो बस। अगर आपको ठीक से समझना है, प्रैक्टिस करना है और फिर पढ़ना भी है, तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। ठीक। तीसरा आता है BMLT। अभी फर्क क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है वो BSc आपका मिनिमम हो गया, यहाँ पे 12+ हो गया। यहाँ पे देखो क्राइटेरिया क्या है, ये बैचलर कोर्स, मतलब ये जो है एक बैचलर कोर्स है और ये डिग्री कोर्स है। आगे दोनों कौन से थे, सर्टिफिकेट कोर्स थे, ये हो गया डिग्री कोर्स। आपको जिस तरह से BSc में डिग्री मिलेगा, उसी तरीके से आपको BMLT में भी एक डिग्री मिलेगा, जो कि होगा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। बहुत सारी प्राइवेट में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, मैंने गवर्नमेंट में कहीं सुना नहीं है। ये जितने भी मैंने सुना है वो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर इस तरह से सुना है। आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस वो आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं खुद से पर्सनली, मुझे इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो डिस्कस का पॉइंट है, मैं बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी आएगा PGDMLT। अभी यहाँ पे मेन इशू आता है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे है। आप कभी कभी सुनते हो DMLT और कहीं पे लिखते हैं ये लोग PGDMLT, दोनों सेम है, दोनों सेम है। एक्चुअल में क्या है आपको मैं बता दूं, कोर्सेज कैसे होते हैं, UG होते हैं या फिर PG होते हैं, और कभी कभी हमने सुना होता है PGDMLT, भाई PG कोर्सेस होते हैं, PG डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं। तो ये एक PG डिप्लोमा है। ठीक है, डिप्लोमा में क्या होता है, डिप्लोमा जो है वो 1 ईयर का रहता है, इसीलिए ये जो कोर्स है वो PG हो गया, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन के बाद होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन मिलता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद इसको बोलते हैं PG डिप्लोमा, इसलिए उसको बोलते हैं PGDMLT। सेम ही है, DMLT बोलो, PGDMLT बोलो, कई कई जगह पे ये लोग सिर्फ MLT लिखते हैं। आपको पूछना है वहां पे जाके ये कि भाई ये जो सर्टिफिकेट आप, मतलब ये जो भी कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है या डिग्री कोर्स है, बस इतना बता दो, बस ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इससे दूसरा भी एक ऑप्शन है कि आप पूछ लो कि 1 ईयर का है क्या 2 ईयर का है, 2 ईयर का है तो आपका होगा डिग्री, फिर भी पूछ लेना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब डिग्री कोर्स है या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, फिर आ जाएगा PGDMLT हो गया, फिर आएगा PGMLT। अभी डी मैंने निकाल दिया यहाँ पे, तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये हो गया डिग्री कोर्स, ये कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है। यहाँ पे कंपलसरी आपको BSc माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, बोटनी, जूओ, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस। ठीक है, अगर ऐसा है तो ही आप PGMLT कर पाओगे। मेरे हिसाब से कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग केमिस्ट्री को नहीं यहाँ पे एलिजिबल करते हैं, फिर भी कई जगह पे आपको एलिजिबल भी करते हैं, तो थोड़ा वेरिएशन आएगा। 2 साल का ये कोर्स है, गवर्नमेंट मैंने कहीं सुना नहीं है, तो गवर्नमेंट अफिलेटेड कॉलेजेस होती है, लेकिन गवर्नमेंट खुद से कोई चला रहा हो ऐसा कोर्सेस मैंने सुना नहीं है।
क्योंकि आपको डीएमएलटी में मिल जाएगा, डीएमएलटी में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सीट्स होगा तो फीस कम होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अफिलेटेड कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम यूनिवर्सिटीज में ही आपको मिल जाएगा, फीस थोड़ी ज्यादा रहती है लेकिन होता है। ट्रेनिंग कहाँ देंगे ये लोग? मेडिकल कॉलेजेस में देंगे, कॉलेज लेबोरेटरीज में देंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे डिसर्टेशन होगा, प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट नहीं किया तो एमएससी का कोई मतलब नहीं है, तो ये सॉरी मास्टर डिग्री का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पीजीएमएलटी है तो सिंपल सा है, यहाँ पे डीएमएलटी का बड़ा भाई है ये। तो डीएमएलटी में जिस तरह से आपको जितना पढ़ाई करना है उतना पढ़ाई यहाँ पे तो आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। उसके साथ ही ये लोग एक प्रोजेक्ट करवाते हैं, ओके, डिसर्टेशन करवाते हैं। तो डिसर्टेशन को आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा सा डिप्लोमा और डीएमएलटी और एमएससी एमएलटी का डिफरेंस बोलता हूँ, क्या क्या डिफरेंस है। मेजोरिटी के यहाँ पे बहुत क्वेश्चन रहता है कि सर मुझे डीएमएलटी करना है या एमएससी एमएलटी करना है, कौन सा करना चाहिए सर, कौन सा उसमें ज्यादा बेनिफिट है। मैं बोलूंगा दोनों अच्छे है, दोनों में आपको अपनी लैब ओपन कर सकते हो, दोनों में बेनिफिट्स। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये कोई डिग्री कोर्स है, ये 6 महीने 1 ईयर में हो जाता है, यहाँ पे तो 2 ईयर चाहिए आपको। इंटर्नशिप इन केस ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ पे 6 मंथ का आपको डिसर्टेशन कंपलसरी है। एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल टेक्निकल पोस्ट, इसमें भी आपको एलिजिबिलिटी बनता है, इसमें भी एलिजिबिलिटी बनता है, दोनों में आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबिलिटी बनता है, तो कोई इशू नहीं है। यू कैन ओपन एनालिटिकल लैब, यहाँ पे भी आप एनालिटिकल लैब ओपन कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है यू कैन नॉट ओपन एक्चुअली पैथोलॉजिकल पैथोलॉजी लैब, यहाँ पे आपको ओपन कर सकते हो सिर्फ एक एनालिटिकल लैब, ठीक है। अभी एनालिटिकल लैब क्या है वो कभी आप किसी को पूछ सकते हो या फिर मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सब बात थी डीएमएलटी एमएससी एमएलटी और बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कोर्सेज है। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।